Hey everybody, welcome back to Chemistry Zone Digital. My name is Ankur Goyal and you are at the right place if you really want to unlock your brain with a key to success in chemistry. Students, एक बार फिर हाजिर हूँ मैं आपके सामने आप लोगों के दिलों से केमिस्ट्री के उस वायरस को मिटा देने के लिए जो वायरस आपके दिलो दिमाग में स्पेशली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अगेंस्ट एक फोबिया पैदा करता है, एक डर पैदा करता है। आप ऐसे काफ़ी लोगों को लगता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही अजीब सी चीज़ है, बहुत मुश्किल चीज़ है, इसे बार बार पढ़ के भूल जाते हैं, ये रटने वाली चीज़ है। लेकिन ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ नॉट अ थिंग टू बी क्रैम्ड, नॉट अ थिंग ऑफ रटिफिकेशन। इनफैक्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इतनी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि अगर आपको उसके बेसिक्स क्लियर है ना, तो आपको ऑर्गेनिक से अच्छी कोई और केमिस्ट्री की ब्रांच ही नहीं लगेगी। और इसीलिए आपके माइंड में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए एक लाइकिंग डेवलप करने के लिए मैंने ये ऑर्गेनिक की नेम रिएक्शन सीरीज स्टार्ट करी बाय द नेम एसेंशियल 40, जिसमें मेरा पर्पस है ऑर्गेनिक नेम रिएक्शन से रिलेटेड सारे डिटेल्ड मैकेनिज्म बहुत ही सिंपल एंड लूसिड फॉर्म में आपके माइंड में क्लियर कर देना, और साथ साथ में ऑर्गेनिक के वो छोटे छोटे बेसिक्स भी क्लियर करना जिनकी वजह से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बच्चों को पसंद नहीं आती। तो ये याद रखिए स्टूडेंट्स, इस सीरीज में मैं ऑलरेडी 7 लेक्चर्स अपलोड कर चुका हूँ और आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपना 8th नेम रिएक्शन, विच इज अ वेरी सिंपल वेरी ब्यूटिफुल सा रिएक्शन, फिंकलस्टीन रिएक्शन। स्टूडेंट्स, फिंकलस्टीन रिएक्शन हेलोएल्केन्स को बिलोंग करने वाला एक ऐसा रिएक्शन है जो एक हैलाइड एक्सचेंज के तौर पे यूज करा जाता है। हैलाइड एक्सचेंज से हमारा मतलब है कि अगर हम किसी भी एल्काइल क्लोराइड या एल्काइल ब्रोमाइड को एल्काइल आयोडाइड में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो वी कैन इजीली कन्वर्ट एनी ब्रोमाइड्स और क्लोराइड्स टू आयोडाइड्स बाय ट्रीटिंग ब्रोमाइड्स एंड क्लोराइड्स विद अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम आयोडाइड इन एसीटोन एज अ सॉल्वेंट। तो किसी भी एल्काइल क्लोराइड और एल्काइल ब्रोमाइड को एल्काइल आयोडाइड में कन्वर्ट करने का एक सिंपल सा तरीका इज नोन बाय द नेम फिंकलस्टीन रिएक्शन। आज हम फिंकलस्टीन रिएक्शन का एक जनरल रिएक्शन, एक एग्जांपल और उसका मैकेनिज्म के साथ साथ उससे रिलेटेड छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स जो उसके बेसिक्स को क्लियर करेंगे आपके माइंड में, वो सब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले एक जनरल रिएक्शन का फॉर्मेट समझते हैं कि इस फिंकलस्टीन रिएक्शन क्या होता है। देखिए, फिंकलस्टीन रिएक्शन में किसी भी एल्काइल क्लोराइड या ब्रोमाइड, बच्चों याद रखिएगा ये एक्स कैन आइदर बी क्लोरीन और ब्रोमीन, तो किसी भी एल्काइल क्लोराइड और एल्काइल ब्रोमाइड को जब हम सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं NaI इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। अब स्टूडेंट्स, आपको याद रखना है कि वैसे तो ये रिएक्शन एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन होता है, लेकिन इसके इक्विलिब्रियम को कंप्लीटली फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करा जा सकता है बाय द चॉइस ऑफ अ सूटेबल सॉल्वेंट। अगर हम एसीटोन एज अ सॉल्वेंट लेना, तो आपको फिर ये डबल साइडेड आरो भी बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एसीटोन एक ऐसा सॉल्वेंट है जो इसके इक्विलिब्रियम को कंप्लीटली फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट कर देगा और ये रिएक्शन कंप्लीटली अप टू कंप्लीशन प्रोसीड कर जाएगा। तो अभी दैट्स वाई मैं एक डबल साइडेड आरो यहां से रिमूव कर रहा हूं, लेकिन याद रखिएगा दिस रिएक्शन हैज अ टेंडेंसी टू अटेन एन इक्विलिब्रियम, बट इन केस ऑफ एसीटोन ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा, एसीटोन का पर्पस क्या है, वो सब मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए, जब हम किसी भी अल्काइल क्लोराइड या ब्रोमाइड को सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन एज अ सॉल्वेंट, तो एक सिंपल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। ये आई नेगेटिव यहां पे अटैक करके एक्स को सब्स्टिट्यूट करेगा एंड दिस विल बिकम आर आई प्लस एन ए एक्स, एंड दिस एन ए एक्स कैन बी आइदर एन ए बी आर और एन ए सी एल। ये एन ए बी आर और एन ए सी एल में से ही कुछ होगा, क्योंकि यहां पर हम जो एक्स लेकर चले थे वो क्लोराइड या ब्रोमाइड था। अब सबसे पहला क्वेश्चन ये अराइज होता है स्टूडेंट्स कि ये रिएक्शन सिर्फ क्लोराइड्स और ब्रोमाइड्स को ही आयोडाइड्स में क्यों कन्वर्ट करता है, व्हाई कैन नॉट फ्लोराइड्स बी कन्वर्टेड टू आयोडाइड्स। तो उसका एक बड़ा सिंपल सा लॉजिकल रीजन है। आपको मालूम है ग्रुप 17 ऑफ द हैलोजन फैमिली के मेंबर्स होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, और एज वी मूव डाउन द ग्रुप इन पीरियोडिक टेबल तो एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज होता है। तो स्टूडेंट्स, यू ऑल नो कि फ्लोरीन इज वेरी स्मॉल इन साइज, एंड फ्लोरीन बिंग वेरी स्मॉल इन साइज, कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड इज वेरी स्ट्रांग, कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता है, जिसकी वजह से फ्लोरीन एक वीकेस्ट लिविंग ग्रुप होता है। फ्लोरीन बहुत स्ट्रांग बॉन्ड बनाता है, उसके बॉन्ड को तोड़ के
एक आयोडीन जो अपने आप में एक बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है बड़े साइज की वजह से, तो एक स्ट्रॉन्गर लिविंग ग्रुप के लिए पॉसिबल नहीं है कि एक पुअर लिविंग ग्रुप को वो सब्स्टिट्यूट कर दे। आयोडीन साइज में बहुत बड़ा है, आयोडीन अपने आप में एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो वो आयोडीन एक स्ट्रॉन्गर बॉन्ड को तोड़ के एक वीकर बॉन्ड नहीं बना पाता। तो आई होप दैट कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू कि कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता है और आयोडीन के लिए पॉसिबल नहीं है कि उतना स्ट्रांग कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड वो सब्स्टिट्यूट कर पाए। हाँ, बट आयोडीन के लिए ये पॉसिबल है कि इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन एज अ सॉल्वेंट वो RCl और RBr बॉन्ड को सब्स्टिट्यूट कर सकता है। तो देखिए फर्दर अब ये समझते हैं स्टूडेंट्स की व्हाई वी आर गिविंग सो मच स्ट्रेस ओवर दिस सॉल्वेंट। एसीटोन एज अ सॉल्वेंट पे हम इतना स्ट्रेस क्यों दे रहे हैं, एसीटोन को यूज करने का एडवांटेज क्या है, उसका बेनिफिट क्या है, और कोई सॉल्वेंट क्यों नहीं यूज करा जा सकता। देखिए एसीटोन के बारे में मैं आपको बता दूं कि एसीटोन इज अ पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, एक पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट है। पोलर तो बच्चों आप लोगों को मालूम है, पोलर कोई भी ऐसा सॉल्वेंट है जिसमें चार्ज सेपरेशन है, जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है बिटवीन एलिमेंट्स। लेकिन अप्रोटिक का मतलब है कि एक ऐसा सॉल्वेंट है जो H प्लस नहीं दे सकता, विच इज नॉट केपेबल ऑफ फॉर्मिंग हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो ये पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट है, कोवेलेंट बॉन्ड है इनके अंदर, कोवेलेंट कंपाउंड है ये, और क्योंकि इसके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं तो ये याद रखिएगा इसके अंदर कोवेलेंट चीज़ें ही ज़्यादा रेडिली सॉल्युबल हो पाती हैं, आयनिक कंपाउंड्स इसके अंदर सॉल्युबल नहीं हो पाते। अब अगर हम तीनों को कंपेयर करें, सोडियम आयोडाइड को, सोडियम ब्रोमाइड को और सोडियम क्लोराइड को, तो वैसे तो बच्चों याद रखिए ये तीनों आयनिक कंपाउंड हैं। कोई भी कंपाउंड बिटवीन सोडियम एंड हैलोजन इज एन आयनिक कंपाउंड, लेकिन हर आयनिक कंपाउंड के अंदर एक कोवेलेंट कैरेक्टर भी होता है और कोवेलेंट कंपाउंड्स के अंदर एक आयनिक कैरेक्टर भी हो सकता है। दैट ऑल इज कंट्रोल्ड बाय फजान्स रूल। तो फजान्स रूल के अकॉर्डिंग अगर आप में से बच्चों फजान्स रूल के को लेके कुछ डाउट है किसी के माइंड में, तो मैं बहुत ही जल्दी फजान्स रूल के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड भी एक वीडियो अपलोड करूंगा। बट अभी मैं आपको शॉर्ट में बताता हूं कि फजान्स रूल हमें यह बताता है कि द स्मॉलर साइज ऑफ कैटायन एंड अ बिगर साइज ऑफ एनायन फेवर्स अ मोर कोवेलेंट कैरेक्टर। कैटायन का साइज जितना छोटा होगा स्टूडेंट्स, एनायन का साइज जितना बड़ा होगा, कंपाउंड के अंदर उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं इन तीनों ही केसेस में Na तो सेम साइज का है, Na इज ऑफ सेम साइज, लेकिन आयोडाइड बहुत बड़ा है साइज में, आई नेगेटिव, ब्रोमाइड आयन थोड़ा छोटा है, क्लोराइड आयन और छोटा है साइज में। तो क्या होता है स्टूडेंट्स कि क्योंकि यहां पे आयोडाइड आयन बहुत ज्यादा बड़ा है, तो ये स्मॉलर कैटायन इस आयोडाइड आयन को पोलराइज कर देता है, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींच लेता है। इस तरह से ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं रहती, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी तरफ पुल्ड हो जाती है, और अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी तरफ पुल्ड हो गई तो एक आयनिक कंपाउंड के अंदर एक कोवेलेंट कैरेक्टर डेवलप हो जाएगा। आपको मालूम है जितना छोटा कैटायन होगा उतना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम होगा उसके ऊपर, और जितनी ज्यादा कंसेंट्रेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज होगी वो नेगेटिव को उतना इफेक्टिव भी अपनी तरफ खींच लेगा, और उस नेगेटिव को ज्यादा अच्छी तरह खींच लेगा जिस नेगेटिव में साइज बड़ा होने की वजह से नेगेटिव चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम कम है। तो ये याद रखिएगा ये कैटायन क्लोराइड के नेगेटिव चार्ज को उतना अच्छी तरह पुल नहीं कर पाता, लेकिन ये कैटायन आयोडाइड के नेगेटिव चार्ज को अच्छी तरह पुल कर पाता है अपनी तरफ, जिसकी वजह से Na(I) के अंदर एक कोवेलेंट कैरेक्टर डेवलप हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेंटर की तरफ आ जाती है। जितना ज्यादा शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेंटर की तरफ आ जाएंगे उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर डेवलप हो जाएगा। तो ये याद रखिए अगर हम इन तीनों को कंपेयर करें तो ये दोनों तो प्रॉपरली आयनिक कंपाउंड है, या आप कह सकते हैं मोर आयनिक है, लेकिन ये मोर कोवेलेंट है। अब देखिए मैंने आपको बताया एसीटोन भी एक कोवेलेंट सॉल्वेंट है, Na(I) हमारा मोर कोवेलेंट इन नेचर है, तो Na(I) तो एसीटोन के अंदर डिसॉल्व हो जाता है, तो यहां पे RX भी और Na(I) भी एसीटोन के अंदर पहले तो डिसॉल्व हो जाएंगे, उस डिसॉल्वड मीडियम के अंदर ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे, और रिएक्ट करने के बाद प्रोडक्ट की तरफ जो RI और NaX मिलेगा ना स्टूडेंट्स, उसमें RI तो एसीटोन में सॉल्युबल होगा, RI तो विल गेट डिसॉल्वड इन एसीटोन, लेकिन NaBr और NaCl बीइंग मोर आयनिक इन नेचर ये एसीटोन में इनसॉल्युबल होंगे और PBD बना के नीचे बैठ जाएंगे। अब जैसे ही ये PBD बना के नीचे बैठेंगे तो स्टूडेंट्स ली शेटलियर्स प्रिंसिपल एक्टिवेट हो जाएगा। ली शेटलियर प्रिंसिपल जो हमने क्लास 11 में पढ़ा था उसमें आपको बताया गया था कि वेन एवर एनी स्ट्रेस इज इम्पोज्ड ओवर द रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम देन द इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन सच अ डायरेक्शन सो एज टू अंडू द स्ट्रेस कॉज्ड बाय अस।
क्या होता है कि ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है। मैंने आपको बताया कि इक्विलिब्रियम वाले रिएक्शन में ये जो NaBr या NaCl बनाए ये सॉल्वेंट के अंदर डिजोल्व ना होकर PBD1 के नीचे बैठ गया। अब जैसे ये PBD1 के नीचे बैठा तो बेसिकली सॉल्यूशन में से इसकी कंसंट्रेशन कम हो गई, ये सॉल्यूशन में तो डिजोल्व नहीं रहा, ये सेटल होकर नीचे बैठ गया। अब सॉल्यूशन में जैसे ही इसकी कंसंट्रेशन कम हुई सेपरेट होने की वजह से, प्रेसिपिटेट होने की वजह से, तो लीशर्ली प्रिंसिपल इसकी कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए इस इक्विलिब्रियम को और आगे शिफ्ट करेगा। और जब ये इक्विलिब्रियम और आगे शिफ्ट होगा तो एल्काइल आयोडाइड की यील्ड और बढ़ेगी। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, एक तो एसीटोन एज अ सॉल्वेंट का पर्पस ये है कि इसमें NaBr और NaCl इनसॉल्युबल होते हैं, इनसॉल्युबल होने की वजह से एक तो ये PBD1 के नीचे बैठ जाते हैं, इन्हें फिल्ट्रेशन के थ्रू सेपरेट करना आसान हो जाता है, और दूसरा रिएक्शन और ज्यादा फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होता है। अगर हम यहाँ पे एसीटोन जैसा सॉल्वेंट यूज नहीं करते तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश कर लेता, कंप्लीटली फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता ही नहीं। उस केस में हमें RI की यील्ड्स बहुत कम मिलती, लेकिन अब हमें RI की सूटेबल यील्ड्स मिलेंगी क्योंकि रिएक्शन कंप्लीटली फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो चुका है। तो आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को एसीटोन एज अ सॉल्वेंट का पर्पस समझ में आ गया। एसीटोन NaI को तो अपने अंदर डिजोल्व कर लेता है क्योंकि NaI हैज मोर कोवेलेंट कैरेक्टर, लेकिन NaBr और NaCl को वो अपने अंदर डिजोल्व नहीं कर पाता। तो आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू। अब आपको स्टूडेंट्स दो चीजें तो क्लियर हो गई कि एक तो हम यहाँ पे अल्काइल फ्लोराइड क्यों नहीं ले सकते, वाई कैन नॉट फ्लोराइड बी रिप्लेस बाय आयोडाइड, ये आपको क्लियर हो गया। दूसरा आपको ये भी क्लियर हो गया कि हम एसीटोन एज अ सॉल्वेंट क्यों लेते हैं। अब इसके अलावा एक चीज और मैं आपको क्लियर कर दूं कि वॉट काइंड ऑफ रिएक्शन इज फॉलोड बाय दिस, वॉट काइंड ऑफ मैकेनिज्म इज फॉलोड बाय दिस रिएक्शन। तो याद रखिए स्टूडेंट्स, दिस रिएक्शन फॉलो अ वेरी सिंपल SN2 मैकेनिज्म विच इज अ सिंपल बायोमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन विच इज फॉलोड बाय इन्वर्जन ऑफ स्टीरियोकेमिस्ट्री। देखिए SN2 मैकेनिज्म आपने हेलो एल्केन्स में ऑलरेडी पढ़ा है। SN2 मैकेनिज्म इज अ सिंगल स्टेप मैकेनिज्म जिसमें आपको याद होगा साइमल्टेनियस बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड ब्रेकिंग होती है। होता क्या है स्टूडेंट्स, दिस RX इज अ पोलर मॉलिक्यूल, पार्शियल नेगेटिव एंड पार्शियल पॉजिटिव होता है। इसके पीछे से NaI का I नेगेटिव आएगा एंड दिस I नेगेटिव विल मेक अ बैक साइडेड अटैक ओवर दिस पार्शियल पॉजिटिव एल्काइल ग्रुप। ये I नेगेटिव पीछे से बैक साइड अटैक करेगा, तब जाके आगे से हैलोजन निकलेगा एंड दिस विल बिकम IR प्लस X नेगेटिव। तो ये इन्वर्टेड प्रोडक्ट मिलेगा, इन्वर्जन ऑफ स्टीरियोकेमिस्ट्री। इन्वर्जन का मतलब ये भी होता है स्टूडेंट्स कि अगर आप एक डेक्स्ट्रो रिएक्टेंट लेकर चले थे तो आपको लीवो प्रोडक्ट मिलेगा, या लीवो रिएक्टेंट लेकर चले थे तो आपको डेक्स्ट्रो प्रोडक्ट मिलेगा। तो दिस रिएक्शन फॉलो अ सिंपल बायोमोलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, SN2 मैकेनिज्म जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं। और इस रिएक्शन में क्योंकि SN2 मैकेनिज्म फॉलो होता है इसलिए अलग अलग एल्काइल हैलाइड डिफर ग्रेटली इन देयर ईज टू अंडरगो दिस रिएक्शन। मेरे कहने का मतलब यह है कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, एलाइल, बेंजाइल, विनाइल, ये सारे एल्काइल हैलाइड एक जैसा रिएक्शन नहीं अंडरगो करेंगे। कुछ एल्काइल हैलाइड्स इस रिएक्शन की तरफ हाईली रिएक्टिव होंगे, कुछ थोड़े कम रिएक्टिव होंगे और कुछ नॉन रिएक्टिव होंगे। तो वो भी मैं आपको बता देता हूं स्टूडेंट्स। देखिए दिस रिएक्शन इज हाईली फेवरेबल, हाईली फेवरेबल फॉर प्राइमरी हैलाइड्स। एक तो प्राइमरी हैलाइड्स के लिए बहुत हाईली फेवरेबल होंगे लाइक दिस CH3CH2Br या CH3CH2Cl, क्योंकि प्राइमरी हैलाइड्स में आपको मालूम है SN2 में बैकसाइड अटैक होना होता है और SN2 में जब भी कोई आई नेगेटिव बैकसाइड अटैक करेगा तो हिंड्रेंस बहुत कम होगी इस अल्फा कार्बन पे। अगर मैं इसके ऊपर नीचे ब्रांचिंग लगा दूं, इसे टर्शरी बना दूं, तो ये टोटली नॉन रिएक्टिव हो जाएगा। सेकेंडरी की रिएक्टिविटी प्राइमरी से थोड़ी कम होती है, लेकिन टर्शरी टोटली नॉन रिएक्टिव होते हैं इस रिएक्शन की तरफ, क्योंकि टर्शरी एल्काइल हैलाइड्स के तो कार्बोकेटायंस बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं और वो आपको याद होगा वो SN1 मैकेनिज्म फॉलो करना प्रेफर करते हैं। तो एक तो प्राइमरी एल्काइल हैलाइड्स आर हाईली रिएक्टिव टुवर्ड्स दिस फिंकलस्टीन रिएक्शन। फिंकलस्टीन रिएक्शन में प्राइमरी एल्काइल हैलाइड्स बहुत रेडीली पार्टिसिपेट करते हैं। इसके अलावा आपको मालूम है कि ये बॉन्ड जितना ज़्यादा पोलर होगा उतना ईजिली आई नेगेटिव इसे सब्स्टिट्यूट कर पाएगा। ये पोलर बॉन्ड्स को डिसोसिएट करना बहुत ईजी होता है, तो आई नेगेटिव बहुत आराम से Br या Cl को सब्स्टिट्यूट कर पाएगा। अब पोलैरिटी, एक तो एलाइल
एंड बेंजाइल ग्रुप में बहुत ज्यादा होती है स्टूडेंट्स। तो एलाइल हैलाइड्स एंड बेंजाइल हैलाइड्स, मैं अलग से लिख देता हूं, एलाइल हैलाइड्स एंड बेंजाइल हैलाइड्स, ये भी बहुत ज्यादा रिएक्टिव होंगे, दे आर हाईली रिएक्टिव टुवर्ड्स दिस रिएक्शन। अब देखिए एलाइल क्या होता है, सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच सिंगल बॉन्ड सी एच टू एक्स। एलाइल आपको मालूम है कि एक सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच पे एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन लगा होता है, और उस sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे अगर हैलोजन लगा हुआ है तो ये एलाइल ग्रुप होता है। अब आपको मालूम है कि डबली बॉन्डेड कार्बन एटम्स आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव बिकॉज ऑफ sp2 हाइब्रिडाइजेशन, और अगर डबली बॉन्डेड कार्बन एटम्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं यानी कि ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, तो इस अल्फा कार्बन से इलेक्ट्रॉन पुल करेंगे, और जब अल्फा कार्बन से इलेक्ट्रॉन पुल करेंगे तो इस CX बॉन्ड में पोलैरिटी बढ़ेगी स्टूडेंट्स। ये ओवरऑल ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। इसी तरह से आप देखिए बेंजाइल, बेंजाइल इज दिस रिंग के ऊपर CH2X, ये वाला बॉन्ड भी बहुत पोलर होगा क्योंकि रिंग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, तो इस बॉन्ड के चार्ज सेपरेशन को बढ़ाएगी वो, ठीक है। तो एलाइल और बेंजाइल हाईली रिएक्टिव होते हैं इसकी तरफ। हाँ, अगर हम विनाइल की बात करें, CH2 डबल बॉन्ड CHCl और फिनाइल की बात करें रिंग के ऊपर हैलोजन, तो ये बहुत ही लीस्ट रिएक्टिव होंगे, वेरी लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स दिस रिएक्शन, इनफैक्ट ऑलमोस्ट नॉन रिएक्टिव होंगे, क्योंकि यहाँ पे एक पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है दोनों केसेस में। इस केस में आपको मालूम है हैलोजन के पास लोन पेयर होता है, और लोन पेयर जब रेजोनेंस के टाइम पे इधर जाएगा तो यहाँ एक डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा, एंड डबल बॉन्ड वुड बी डिफिकल्ट टू बी सब्स्टिट्यूटेड विद दिस आयोडीन, ठीक है। इसी तरह से आप ब्रोमोबेंजीन या क्लोरोबेंजीन के हैलोजन को आप आयोडीन से रिप्लेस नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे भी डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है। और अगर हम टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स की बात करें, CH3 हैलोजन, यहाँ पे क्लोरीन या ब्रोमीन कुछ भी होता है, तो टर्शियरी अल्काइल हैलाइड एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, ये टोटली इनर्ट होते हैं, टोटली नॉन रिएक्टिव होते हैं टुवर्ड्स फिंकलस्टीन रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे अल्फा कार्बन पे जब आयोडीन बैकसाइड अटैक करने की कोशिश करेगा तो ये तीन तीन मिथाइल ग्रुप हिंडर करेंगे, एंड एट द सेम टाइम आपको मालूम है कि टर्शियरी वालों के तो कार्बोकैटायन स्टेबल होते हैं, वो तो प्रेफर करते हैं SN1 मैकेनिज्म्स फॉलो करना, जबकि फिंकलस्टीन रिएक्शन एक SN2 मैकेनिज्म है। तो स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फिंकलस्टीन रिएक्शन एक सिंपल हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है जिसमें हम किसी भी क्लोराइड और ब्रोमाइड को आयोडाइड से रिप्लेस कर सकते हैं। सो आई होप ऑल द कॉन्सेप्ट्स आर वेरी मच क्लियर टू यू, एंड इसी के साथ हमारा आज का ये लेक्चर एंड होता है। अगले वीडियो में बहुत जल्दी मैं एक नई नेम रिएक्शन के साथ आपको मिलूंगा, टिल देन हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।